नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। यूं तो आपने देश में कई मंदिरों के बारे में सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा। इनमें से कई मंदिर चमत्कारी होते हैं तो कई मंदिर अत्यंत प्राचीन होते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसे पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। वो भी ऐसा मंदिर जिसका निर्माण विशाल पत्थरों से एक ही रात में किया गया था। दरअसल अंबरनाथ नाम का ये मंदिर महाराष्ट्र में मुंबई के पास अंबरनाथ शहर में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे अंबेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में मिले शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में राजा मामणी ने करवाया था। इस मंदिर को पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर जैसा पूरे विश्व में कोई मंदिर नहीं है। अंबरनाथ शिव मंदिर के पास कई ऐसे चमत्कार मिलते हैं जिससे इसकी मान्यता बढ़ जाती है। अंबरनाथ शिव मंदिर अद्वितीय स्थापत्य कला का एक प्रसिद्ध नमूना है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बाहर दो नंदी बैल बने हुए हैं। मंदिर के प्रवेश में 3 मुख मंडप हैं। अंदर जाते वक्त सभा मंडप तक पहुंचा जाता है और फिर सभा मंडप के बाद 9 सीढ़ियों के नीचे गर्भगृह स्थित है। मंदिर की मुख्य शिवलिंग त्रयम्बती की है और इनके घुटनों पर एक नारी है जो शिव पार्वती के रूप को दर्शाती है। शीर्ष भाग पर शिव नृत्य की मुद्रा में दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास पानी का कुंड भी है। इसके पास ही एक गुफा भी है जो बताया जाता है कि उसका रास्ता पंचवटी तक जाता है। यूनेस्को ने अंबरनाथ शिव मंदिर को सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। वल्दान नदी के तट पर स्थित ये मंदिर आम और इमली के पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है जिससे यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। मंदिर की बाहर की दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप बने हुए हैं। इसके साथ ही गणेश, कार्तिकेय, चंडिका आदि देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। साथ ही देवी दुर्गा की असुरों का नाश करते हुए भी यहाँ पर दिखाया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर कम से कम महादेव की 8 मूर्तियां बनी है। साथ ही इस जगह के आसपास कई जगह प्राचीन काल की ब्रह्मदेव की मूर्तियां भी हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले ब्रह्मदेव की उपासना होती थी। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला 3 से 4 दिनों तक चलता है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ वर्ष अंबरनाथ में उन्होंने बिताए थे। तब उन्होंने विशाल पत्थरों से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया। फिर लगातार कौरवों के द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था तो वो भय से इस स्थान को छोड़कर चले गए, जिससे मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो पाया। सालों से मौसम की मार झेल रहा यह मंदिर आज भी खड़ा है। तो दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचिए और इस मंदिर की भव्यता का आनंद और यहाँ पर भगवान शिव की उपासना कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।